असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बुद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नारदत्त के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनंती की, राजन द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोदन ने कहा, ऋषिवर मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोदन बोला, ऋषिवर बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुणा अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत एक वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध कहलाएगा। असित ऋषि को निश्चय था कि वह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगा। शुद्धोदन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूं, वह प्राप्त हूं और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा।
जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इस प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बदा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नारदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नारदत्त को कहा, नारदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया।